हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेस्टीज के इंडक्शन कुकर के बारे में। इसका डेमो और रिव्यू करने वाला हूं। ये जो प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकर है मेरे पास, ये मैंने 5 साल पहले लिया था। इसमें 2 साल की वारंटी मिली थी मुझे। और ये जो इसका मॉडल नंबर है 16.0 है, और 230 वोल्ट और 1600 वैट का ये इंडक्शन कुकर है। और नीचे यहाँ पे इसका ये फ़ैन है, ठीक है ना। इसको आपको ये ओपन रखना है, जो भी हीट होता है यहाँ से बाहर जाता है, फैन चलता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर ये बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है। इसको कनेक्ट करने के बाद आप इसको दबाओगे तो ये इंडक्शन कुकर चालू हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये शॉर्ट करने के लिए है, कीप वॉर्म, यानी अगर आपने कुछ खाना पकाया या कुछ सब्जी पकाई है उसको गर्म रखना है तो ये बटन है। दूध उबालने के लिए ये बटन है, हीट मिल्क। डीप फ्राई करना है, आपको कुछ तलना है तो ये है। इडली बनाने के लिए ये है बटन। डोसा चपाती के लिए ये है बटन। और करी के लिए ये है। और प्रेशर कुकर के लिए ये है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। प्रेशर कुकर अगर आप लेते हैं तो प्रेशर कुकर यहाँ पे रख दीजिए और उसके बाद ये बटन दबा के छोड़ दीजिए, तो ये अपने आप पका देगा। और जैसे ही पक जाएगा, सीटी लग जाएगा, तो ये अपने आप बंद भी हो जाएगा। यानी कि प्रेशर कुकर आपको यहाँ पे रखना है और ये ऑन बटन दबाना है और फिर ये प्रेशर कुकर बटन दबा देना है। बस इतना करना है, फिर छोड़ देना है आपको। ये जो है ये पॉज का बटन है, यानी अगर चलते चलते, अगर समझो मान लेते दूध उबाल रहे हो आप और दूध उबल चुका है और गिरने वाला है, तो अचानक अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पर पॉज करोगे तो यह ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, ये पॉज हो जाएगा। ये है टाइमर, यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी। अगर समझो आपको बंद करने का टाइम नहीं है, आप इसको आप स्टार्ट करके आप कहीं जाते हो तो यहाँ पर टाइमर लगा के आप जा सकते हो। उतने टाइम में, उतने समय में क्या हो जाएगा, ये इंडक्शन कुकर अपने आप बंद हो जाएगा। ये जो है हीट बढ़ाने के लिए है और ये हीट कम करने के लिए है। मान लेते हैं अगर आपने कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट किया है और लेकिन अगर आपको जल्दी अगर उसे पकाना है, ठीक है, उसको अगर हीट ज़्यादा करना है तो आप इस बटन को दबा करके हीट बढ़ा सकते हो। और अगर ज़्यादा हीट लग रहा है आपको कम करना है, जैसे हम गैस का आँच कम करते हैं उस तरह से आँच कम करना है, तो इसको माइनस में दबाना है। और गैस के आँच को जब हम बढ़ाते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस बटन दबाना है। और ये इसका टॉप है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द सेरेमिक प्लेट इज़ हॉट आफ्टर कुकिंग, है ना, गर्म होता है कुकिंग करने के बाद, इसको टच मत करिए, ऐसा लिखा है। लेकिन ये उतना गर्म होता नहीं है, है ना। अगर आप बर्तन रखोगे, कुछ पकाओगे तो गर्म होगा, है ना। बर्तन हटाने के बाद आप इसको टच करोगे तो उतना ज़्यादा गर्म ये होता नहीं है। ये पावर सेवर टेक्नोलॉजी भी है, इसको मैं अभी आपको चला करके दिखाऊंगा। चलो देखिए, अभी मैं ये दूध को आपको उबाल के दिखा रहा हूँ। तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छा है। किचन में गर्मी वगैरह होता है तो इसमें क्या कोई हीट होता है, वैसा कुछ आँच होता है, आग होता नहीं, इसलिए इसमें कोई गर्मी होती नहीं है उतनी। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया और उसको मैंने अभी स्विच ऑन किया है। अभी मैंने इसको ऑन करना है पहले, ये हो गया ऑन। अब आपको हीट मिल के बटन को दबा देना है, ठीक है। इस तरह से ये दब गया। अभी यहाँ पे कितना चल रहा है, ये कितना वाट जा रहा है, यहाँ पे 900 वाट पे ये चल रहा है, ठीक है ना। अगर इसको 900 वाट है और ये 180 डिग्री पे ये चल रहा है, अगर इसको आपको कम करना है तो आप ये बटन दबाएंगे, माइनस करेंगे तो ये कम होता जाएगा। देखिए ये बहुत कम हो गया अभी, तो इसको ज़्यादा समय लगेगा अभी उबलने के लिए। अगर आपको जल्दी उबालना है तो इसको आप क्या है, इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी फिर से मैंने 180 पे रख दिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ ये कितना मिनट लगता है इसको उबलने के लिए। हाँ, इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि अगर आप फ़ैन वगैरह चलाते हो तो आप इसको हॉल में भी ले सकते हो, जहाँ पे फ़ैन वगैरह चल रहा है, ठीक है ना। तो फ़ैन का जो हवा लगता है वो हवा से क्या, आपका वो गैस के यहाँ से इधर उधर होने की संभावना इसमें नहीं रहती है। ये गर्म होता रहता है चाहे हवा हवा भी चलता रहेगा तो। और दूसरा, लेडीज़ लोग जो मेकअप करते हैं ना, मेकअप करके अगर वो किचन में जाते हैं, अगर गर्मी होती है तो मेकअप उतरने का खतरा होता है। लेकिन अगर इसे यूज़ करेंगे तो एकदम अच्छा, अगर मेकअप वगैरह भी करके अगर वो खाना पका रहे हैं या कुछ भी पका रहे हैं तो उनको कोई मेकअप उतरने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ से धुआँ निकल रहा है दूध में से,
इसको मैंने स्लो कर दिया, पॉज कर दिया हूँ। इसको फिर से ऑन करके अगर आपको और गर्म करना है, और भी थोड़े समय के लिए उबालना है, तो आप इस तरह से आप एक पर रख कर उबाल सकते हो। देखिए ये उबल रहा है, ठीक है, ये एक पर है। या तो आप इसको दो पर रख कर भी उबाल सकते हो इस तरह से। ये दो लाइट जल रहे हैं, नहीं ये 100 डिग्री पे उबल रहा है अभी। अभी ये कम कर दिया मैंने, ठीक है। ये एक पे जो है, इसको पॉज हटा देता हूँ, एक पे जो है ये 120 वाट जा रहा है और 60 डिग्री पे ये उबलेगा, उबलता रहेगा, ठीक है। और हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको बंद करके छोड़ देना है। फिर इसका देखिए फैन चल रहा है, ये फैन जब बंद हो जाएगा ना, उसके बाद आपको इंडक्शन कुकर को बंद करना है। अब सिर्फ इसको यूज़ करते समय ये ध्यान में रखना है कि ये थोड़ा सा हाइट में रखिए, अगर घर में बच्चे वगैरह हैं तो क्या वो बटन आकर दबा सकते हैं इधर उधर, है ना, तो इसको थोड़ा हाइट में रखिए जहाँ पे बच्चों का हाथ ना जा सके। और इसका मैं रिव्यू देना चाहूँगा, जहाँ तक अभी मैंने बताया 5 साल से ज़्यादा हो चुका है इसको यूज़ कर रहा हूँ, और कोई मुझे दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आई है, तो इसकी वजह से 9.5 out of 10 का इसको मैं रेटिंग दूंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको अलग अलग टाइप के जो बर्तन हैं जो इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, उन बर्तनों के साथ मैं आपको एक अलग वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।